यूजी अब डीमन गॉड बनेगा ताकि वो सुकुना को डिफीट कर पाए, और उसके पास है 6 ऐसी हिडन एबिलिटीज जो कि उसे ये बनाने में मदद करेगी। फर्स्ट है लेफ्ट राइट गुड नाइट, क्योंकि वो ब्लेस्ड है बाय ब्लैक स्पार्क्स, वो कभी भी ब्लैक फ्लैश को अपने विल के अकॉर्डिंग एक्ट करा सकता है। सेकंड है उसकी एबिलिटी जिसके थ्रू वो सोल को हर्ट कर सकता है, सेम एबिलिटी जो कि लड़कियों के पास होता है जब वो किसी को रिजेक्ट करते हैं। थर्ड है उसका खुद का बॉडी क्योंकि वो बेटा है ऑफ केंजाकू। फोर्थ है उसके एबिलिटीज जो कि उसने सुकुना से इनहेरिट किया है और उसके जेनेटिक्स जो कि हियन एरा के है। फिफ्थ है कि वो सोल को स्वाप कर सकता है। एंड लास्टली जो कि हम भूल चुके थे, वो पावर जिसके थ्रू वो अपने ओपोनेंट के मेमोरी को ही चेंज कर सकता है, जैसा कि उसने जोसो और टोरो के अगेंस्ट किया। शायद तुम इस चीज के बारे में भूल चुके थे, है ना? Well, अब हमारे पास फाइनली दी आंसर है। यूजी का इंटायर लाइफ मैनिपुलेटेड था बाय ए बिगर एंटिटी, लेकिन स्टिल वो हर बार खड़ा होता। ये फैक्ट है कि यूजी बिल्ट डिफरेंट है। आखिर कौन सा किड कैजुअली पूरे के पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करता है? इवन विदाउट कर्स एनर्जी यूजी 50 मीटर को बस 3 सेकंड में ही ट्रैवल कर सकता है, जो कि फास्टर है अभी के करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड से। मेगुमी ये इवन अज्यूम भी करता है कि क्या पता उसके पास भी हेवनली रिस्ट्रिक्शन हो, जस्ट लाइक माकी, जो कि अब एज स्ट्रॉन्ग एज टोजी बन चुकी है और देयरफॉर स्पेशल ग्रेड बनते हुए। इनफैक्ट चैप्टर्स में आगे हमें ये पता चलेगा कि आखिर क्यों यूजी डीमन गॉड है। वन ऑफ द प्राइम हिंट्स तब आता है जब वो सुकुना का फिंगर खाता है। इसका सर्वाइविंग चांस था 1 in a million, बट सीम्स लाइक कि यही यूजी का पर्पस है। वेल, भले ही सारे लोगों को लगे कि ये ओ माय गॉड ये तो क्लासिक शोनन प्लॉट आर्मर वाला सीन हो गया जी, लेकिन राइटर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक कुक कर रहे थे, क्योंकि इन चैप्टर 143 ये रिवील हुआ कि केंजाकू उसका फादर और मदर है। उसने जानबूझ के फिंगर को यूजी के पास रखा ताकि वो इसे कंज्यूम करे, देयरफॉर उसके मास्टरमाइंड प्लान को एक और बार एग्जीक्यूट करते हुए। सारी चीजें बिगेन हुई जब उसने उसकी मॉम कायोरी इतादोरी के बॉडी में पोजेस किया, देयरफॉर कुछ सीन्स को करते हुए ताकि यूजी का बर्थ हो। और जस्ट लाइक जोसो, यूजी के भी देन 3 पेरेंट्स थे। केंजाकू ने ये मेंशन किया है कि वो आंखें है ऑफ द न्यू स्ट्रॉन्ग एरा। एज लॉन्ग एज वो अलाइव है, द चेन ऑफ कर्सेस कभी एंड ही नहीं होंगे। जोसो ने ये क्लेम किया है कि केंजाकू गलत है। यूजी हर एक अनहैप्पीनेस का रीजन नहीं हो सकता। एस उसका ये 1000 साल पुराना प्लान कि वो नेगेटिव एनर्जी को एक्यूमुलेट करेगा जो कि इवेंचुअली वर्ल्ड को केओस में लाएगी। लेकिन जब हम वापस चैप्टर 214 को देखें, इवन सुकुना ने ये स्टेट किया है कि केंजाकू ग्रोसेस चीजें करता है। वन ऑफ देम है कि जब उसने हाइब्रिड्स को क्रिएट किया, मिक्स ऑफ कर्सेस और ह्यूमन। इन फेमस नोरातोशी कामो इंसिडेंट ने उसने 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन केंजाकू का मानना था कि वो फेलियर्स थे। देयरफॉर यूजी को बर्थ देते हुए जहाँ पे वो एक परफेक्ट वेसल था, लेकिन फैक्ट ये है कि वो यूजी का बॉडी नहीं है जो कि सुकुना से रेजिस्ट कर रहा है, बट उसके पास एक स्पेशल इननेट एबिलिटी है जो कि उसे अलाउ करती है कि वो किंग ऑफ कर्सेस को सबड्यू करे। इवन सुकुना भी शॉक था जब ये उसके साथ पहली बार हुआ। देयरफॉर यूजी को देखते हुए ये कहा गया कि वो 1000 साल में ऐसे लोग बस एक बार आते हैं। 80% ऑफ टैलेंट तुम्हारा जेनेटिक्स से आता है, और केंजाकू जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो बॉडी को सॉप करे, और दैट्स व्हाई यूजी के पास ये एबिलिटी है कि वो सोल को सॉप करे। यूजी के बाकी 3 भाइयों को देखो, जोसो, ईसो और कैसीजू। इनके पास कर्स टेक्निक है ऑफ ब्लड मैनिपुलेशन जो कि डायरेक्टली कामो क्लैन से आया है, लेकिन सिंस गोजो ने इस चीज को स्टेट किया है कि यूजी के पास कोई इननी टेक्निक नहीं और इवेंचुअली वो सुकुना का ये चीज मैनिफेस्ट करेगा। इनफैक्ट इन चैप्टर 236 हमने यूजी के फिंगर्स को देखा जो कि बिल्कुल सुकुना के फिंगर की तरह था। सो आखिर दिन केस क्या है, जबकि हम यूजी को एक कर्स्ड एनर्जी समझते थे जो कि सुकुना में बिल्कुल डूबा हुआ था। सो क्या गोजो शुरू से ही रॉन्ग था, और इतादोरी के पास क्या शुरू से ही एक कर्स्ड टेक्निक था, या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरी एबिलिटी यूज हो रही है जो कि यूजी के पास है? वेल, आंसर ये है कि गोजो अपने 6 आईज के थ्रू जब किसी को बस देख भी ले, देन वो उसके कर्स एनर्जी को देख सकता है, जैसा कि हमने इस पैनल में देखा। कहीं ना कहीं यूजी का सोल स्वैपिंग टेक्निक बिल्कुल केंजाकू के उस एबिलिटी की तरह है जो कि उसने सुकुना को सिखाया था कि आखिर वो कर्स ऑब्जेक्ट कैसे बने। एस ये दोनों कैरेक्टर्स अपने सोल को सॉल्व कर रहे हैं एक सीक्रेट मेथड से जो कि हमें मेंशन था इन 228। लेकिन
सिंस यूजी अपने आप में ही एक कर्स ऑब्जेक्ट है, वो इस टेक्निक को और अच्छी तरह से समझता है एज कम्पेयर टू अदर्स। नाउ रिमेम्बर कि वन ऑफ द रीजंस कि ये सारे एंशिएंट सोर्सरर्स ने इस गेम को ज्वाइन किया वो इसलिए था ताकि वो इस फिनोमेना का पता लगा सके जो कि केंजा को यूज कर रहा है। इन चैप्टर 220 यूकी ने उसे एक लाइफ लॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया था ऑफ सोल्स। सो हो सकता है कि यूजी ने यही से इस टेक्निक को बनाया। यूकी का गोल ये था कि ह्यूमंस को कहीं ना कहीं कर्स एनर्जी के थ्रू गुजराए ताकि वो इस चीज को तोड़ सके। व्हेयरएज केंजाकू का गोल ये है कि वो कर्स एनर्जी को ही ऑप्टिमाइज करे। वो समहाउ यूजी इतादोरी को वेसल बनाना चाहता है ऑफ दैट मॉन्स्टर जो कि कनिंग गेम को लीड करेगा। फॉर एग्जांपल ये फोरशैडोइंग कि यूजी 1000 साल में एक बार आता है, ये चीज हमने चैप्टर 214 में भी देखा था, क्योंकि सुकुना ने हमें मेंशन किया है कि केंजाकू बद से बदतर चीजें करता है और यूजी का जेनेटिक्स कम्प्लीटली ही दूसरे एरा से है और 1000 साल पुराना ये चीज उसे बनाता है। लिंक करते हुए चैप्टर 222 में जहाँ पे वो कुसकाबे के साथ अपने सोल को स्वाप कर सकता है। अनदर रीजन कि यूजी इस चीज को एक्सेस कर सकता है वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोल को और अच्छी तरह से समझता है। अनदर बीइंग उसका यूसेज ऑफ ब्लैक फ्लैश। थिंक अबाउट इट, एक ऐसा खेड़ जो कि बस कर्स एनर्जी को 1 महीने से जानता है वो कहीं ना कहीं इन सारे चीजों को यूज कर पा रहा है। अकॉर्डिंग टू नानमी जो भी ब्लैक फ्लैश को यूज कर पाता है डिस्पाइट भले ही वो लक से हो या फिर प्योर स्किल से, जब एक सोर्सरर इस ब्लैक फ्लैश को यूज करता है देन वो सोर्सरर कर्स एनर्जी को कुछ ऐसे समझता है जो कि नॉर्मल लोगों को समझ ही नहीं आ सकती। इस इंसिडेंट के बाद कर्स एनर्जी को मैनिपुलेट करना कुछ ऐसा हो जाता है जैसे मानो कोई आराम से ब्रीथ कर रहा हो। ये चीज यूजी का रियलाइजेशन है ऑफ वंस एक्सिस्टेंस जहाँ पे बॉडी माइंड और सोल एक है। हर एक चीज अब शार्प हो जाती है, ये चीज मेंशन था इन चैप्टर 37। यूजी ने हमें इस चीज को माहितो के अगेंस्ट दिखाया था जहाँ पे वो अपने 120% को यूज कर पा रहा था अगेंस्ट माहितो, और ये चीज उसने जानबूझ के अपने विल के साथ किया। ये चीज प्रूफ है कि यूजी स्लोली बट श्योरली एक स्पेशल ग्रेड पहुंचेगा एज ब्लैक फ्लैश के थ्रू वो सोल के एसेंस को समझ चुका है। एंड फर्दर प्रूफ करते हुए डीमन गॉड एलिगेशन को क्यों ना हम वापस आए चैप्टर 139 में। डिस्पाइट कि वो अपने इंजरी से रिकवर ही नहीं हुआ था, चोसो ने ये क्लेम किया कि वो यूजी के पावर और उसके कर्स एनर्जी के कंट्रोल से अभी भी इम्प्रेस्ड है। इनफैक्ट उसे डीमन गॉड भी कहते हुए। हाउएवर लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट फीट आता है इन चैप्टर 214 जहाँ पे वो बिल्डिंग में जंप करके बिल्डिंग को ही तोड़ देता है और इनफैक्ट उसका ड्यूरेबिलिटी जो कि मैच ही नहीं हो सकता। जहाँ पे उसने फुल 15 फिंगर्स वाले सुकुना का पंच चाहा था एंड ही वाज लाइक कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। माहितो ने एक क्वेश्चन पूछा था इन चैप्टर 22 कि सोल पहले आया या फिर बॉडी। ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसका इक्वली एक कॉम्प्लेक्स आंसर है। वेल लेकिन अगर अभी तक तुम यहाँ पे इस वीडियो तक बने हो देन क्यों ना तुम नीचे टाइप करो आई वॉज हियर, क्योंकि माहितो इस चीज में बिलीव करता है कि सोल पहले आती है और इस चीज का डेफिनेशन है सिंस उसके पास लीथल पावर आइडल ट्रांसफिगरेशन है, सिंस वो किसी के भी सोल को मैनिपुलेट कर पाता है जस्ट बाय उन्हें छू के। देयरफॉर ये चीज उसे अलाउ करती है कि वो किसी के भी बॉडी को डिसफिगर करे, जिसके चलते वो इस कंक्लूजन में आया कि शेप ऑफ द बॉडी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है टू शेप ऑफ द सोल। दिस मीन्स कि सोल असल में मैनिफेस्टेशन है ऑफ द पर्सन एसेंस। बॉडी सोल से अटैच होती है ना कि सोल बॉडी से, और इमोशंस जस्ट मेटाबॉलिज्म है और सिंस इमोशंस स्टैब्लिश करते हैं कर्स एनर्जी को, दैट्स द रीजन कि दोनों के बीच में काफी बड़ा लिंक है, साबित करते हुए कि सोल ही द कोर है फॉर द बॉडी। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस आर्गुमेंट में एक फ्लॉ को देख सकते हैं, एस इमोशंस और कुछ नहीं जस्ट केमिकल रिएक्शंस है जो कि बॉडी में होता है, जो कि ऑफकोर्स वही चीज है जो कि इवन केंजाकू ने भी पॉइंट आउट किया था। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू केंजाकू बॉडी ही सोल है और सोल ही बॉडी, देयरफॉर एक दूसरे को अपने आप पे ही इंटरडिपेंडेंट बनाते हुए, जिसके चलते गेटो ने भी उसका गला दबाने का ट्राई किया था, जो कि एक्सप्लेन करता है कि आखिर बॉडी की मेमोरी भी वहीं पर रहती है जब होस्ट उस बॉडी को कंट्रोल करे। यही वो मेथड है जिसके थ्रू सुकुना ने हर एक चीज को जाना रिगार्डिंग मेगुमी टेक्निक, सिंस वो उसका वेसल था। देयरफॉर बॉडी और सोल बिना रेवरिक्यूशन के सेपरेट नहीं हो सकते, और यही पे यूजी इतादोरी इसी चीज का हमें आंसर बताएगा। सिंस यूजी ने इस चीज को चैप्टर 37 में जाना कि हम इस वर्ल्ड में है एक माइंड बॉडी और सोल के साथ, ये चीज इतनी ऑब्वियस
है कि सारे लोगों ने बस इसको ग्रांटेडली लेना स्टार्ट कर लिया है। और सबसे फन फैक्ट ये है कि इन्फॉर्मेशन ऑफ बॉडी और सोल काफी डिफरेंट है, सिंस हमें ये चीज चैप्टर 147 में कहा था। और ये चीज हमें यूजी इतादोरी आगे के कुछ चैप्टर्स में बताएगा। वो अपने न्यू टेक्निक को रिवील करते हुए और डीमन यूजी बनते हुए।